महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज परसपुर द्वारा संचालित महर्षि क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में आज अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि या अगला बेसिक क्या है? कोटि का मतलब होता है घात, कोटि का मतलब होता है घात। अभिक्रिया की घातांक से कहते हैं या क्रिया की कोटि क्या है यह हम देखेंगे। अगर आपसे पूछे कोई, पीछे हमने पढ़ा क्रिया की आणविकता क्या है, आणविकता में आपको बताया गया होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मतलब आणविकता अभिकारक अणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है, जबकि अगर अभिक्रिया की कोटि अगर कहा जाए तो आप बताएंगे अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे प्रायः अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अतः आप कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसके सांद्रण में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इंग्लिश में से कहा जाएगा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए अभिक्रिया के सामने लिखी है M1A प्लस M2B इज इक्वल टू N1C प्लस M2D। अगर आपसे कहा जाए कि अभिक्रिया में ए बी सी डी क्या है तो आप बताएंगे ए और बी अभिकारक है, सी और डी पार, जहां ए बी अभिकारक तथा सी व डी उत्पाद हैं। अगर आप मान लीजिए कि यही अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो रही है, दोनों पदों में हो रही, दोनों दिशाओं में हो रही हो, तो इसमें अभिकारक हो जाएगा सी और डी, उत्पाद हो जाएगा ए और बी। यहां उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अध्ययन करो। एम वन है ए के अणुओं की संख्या, बी एम टू है बी के अणुओं की संख्या, और एन वन है सी के अणुओं की संख्या, एम टू है डी के अणुओं की संख्या। मतलब एम वन एम टू एन वन और एन टू पदार्थों के अणुओं की संख्याएं हैं। अगर इस अभिक्रिया पर हम रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग नियम या रेट ला ऑपरेशन लगा दिया जाए या द्रव्य प्रतिक्रिया का नियम लगा दें अकॉर्डिंग टू रेट्स ला, वेग नियम के अनुसार रेट ऑपरेशन या क्रिया का वेग आर, चूंकि अभिक्रिया के वेग को dx / dt भी कहते हैं, इसलिए आप सीधा सीधा लिख दीजिए रेट
integrated operation dx upon dt is directly proportional to a की सांद्रता power m1 और b की सांद्रता into होगा m2। आपने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां से देखेंगे तो dx upon dt is equal to k a की सांद्रता पावर m1 into b की सांद्रता पावर m2, जहां k क्या है तो आप बताएंगे कि एक स्थिरांक है k g कांस्टेंट, जिसे वेलोसिटी कांस्टेंट या वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि जो अभिक्रिया का वेग है dx upon dt वो अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। अगर सांद्रताएं बढ़ती हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और अगर इनकी सांद्रताएं घटेंगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। और एक बात यहां और भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पावर m1 लगा है, मतलब a की सांद्रता पावर m1 है, घातांक m1 है और b का घातांक m2 है, मतलब a कितनी बार आया है और b कितनी बार है, यह अणुओं की संख्या डिसाइड कर रहा है। इसलिए हम यहां देखें और इसी जो घातांक है m1 और m2 को, इन दोनों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, या इसी को अभिक्रिया की कोटि कहा जाएगा। अभिक्रिया की कोटि अगर पूछी जाए तो m1 प्लस m2 होगा। अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर m1 प्लस m2। अगर आपसे कहा जाए कि अभिक्रिया की कोटि को यहां से प्रकाशित कीजिए तो आप बताएंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है उसमें जो सांद्रता पद की घातें होती हैं उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात को अभिक्रिया की समग्र कोटि या क्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे इस क्रिया में घातांक m1 है ये का, b का m2 है, इन दोनों का योग क्रिया की कोटि कहलाएगा, और इसी को क्रिया की कोटि के नाम से जाना जाता है। कि कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार काइंड्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स अभिक्रिया की कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये हम लोग देखेंगे। आशा है कि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः जान लीजिए, अगर अभिक्रिया की कोटि क्या है पूछा जाए तो आप बताएंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वाल्यूम संख्या, जिसके संघनन में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। या आप कह सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात
अब क्रिया की कोट कहलाती है। नेक्स्ट अगले वीडियो में